नमस्कार दोस्तों, जब आप अपनी GSTR 3B को फाइल करते हैं तो ITC को सेटअप करते हुए आपको ध्यान रखना है, क्योंकि GST पोर्टल के द्वारा सही कैलकुलेशन नहीं दिखाई जा रही है। जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं कि हमारा ITC है और आउटपुट टैक्स पेबल है, तो उसके बाद आप GSTR 3B में यहां पे सेव करके उसे प्रोसीड टू पेमेंट पे जाते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास लेजर में बैलेंस है IGST का, CGST का और SGST का। तो जब हम नीचे जाते हैं, हमारी यहाँ पे लाइबिलिटी आ रही है, देखिए CGST एड की, और इसे पूरी जो सेट ऑफ किया जा रहा है IGST से। यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल बैलेंस है CGST का, लेकिन उसे GST पोर्टल के द्वारा यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है। और जब आप लास्ट में आते हैं, यहाँ पे देखिए टैक्स पेयर से कहा जा रहा है कि वो 75,000 का जो है GST पे करे, जबकि ये जो कैलकुलेशन है वो सही नहीं है। तो यहाँ पे आपको अपना जो है CGST का ITC भी यूज़ करना है। दोस्तों, GST में रूल दिया गया है कि आपको IGST का बैलेंस नील करना है, तो उस कंडीशन को भी आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, पहले हम यहाँ पर अपना CGST का बैलेंस यूज़ कर लेते हैं, और जो बैलेंस है वो आपको यहाँ से जो IGST का अमाउंट है वो कम कर देना है, क्योंकि आपने CGST का यूज़ कर लिया है इतना अमाउंट। तो 1,41,307 उसमें से जो CGST का बैलेंस आप यूज़ कर चुके हैं उसे लेस कर दीजिए, और बैलेंस अमाउंट आपको यहाँ पे एंटर करना है। इस प्रकार हम यहाँ पे जो बैलेंस अमाउंट है वो एंटर कर देंगे। तो इस प्रकार वो हमारा जो CGST है वो पे हो चुका है IGST से और CGST से। अब हमें दोस्तों IGST का जो बैलेंस है वो जीरो करना है, क्योंकि ये रूल दिया गया है GST में। तो यहाँ पे जो IGST का बैलेंस है उसे आपको निल करना है। तो इस टोटल बैलेंस में से यहाँ पे देखिए इतना बैलेंस यूज़ हो चुका है अमाउंट IGST का ITC, तो बैलेंस अमाउंट आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो यहाँ पर जो हमने बैलेंस अमाउंट है वो एंटर कर दिया है। तो उसके बाद हमारा ये जो SGST का बैलेंस था वो यूज़ हो चुका है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो बैलेंस अब हमें पे करना है वो इतना है जो कि आपको पे करना है GST एक्ट के अंतर्गत। इसके लिए आपको यहाँ पे चलान क्रिएट करना है, यहाँ पे क्रिएट चलान, और जब आप चलान के द्वारा ये पे कर देंगे तो उसके बाद आपको ये GST 3B की रिटर्न फाइल करनी है। इस प्रकार आपको जो GST पोर्टल पे सेटअप का रूल दिया गया है उसे ध्यान से चेक करना है कि क्या वो सही दिखाया जा रहा है। यदि नहीं दिखाया जा रहा है तो आपको यहाँ पे मैन्युअली एडजस्टमेंट करनी होगी। दोस्तों, यहाँ पे एक और खुशी की खबर है कि CA इंटर और CA फाइनल स्टूडेंट फ्री टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। CA इंटरमीडिएट ग्रुप 1 की टेस्ट सीरीज़ है, 40 मिनट्स की, 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, और CA इंटर ग्रुप 2 की जहाँ पे कि मेगा रिवीजन फ्री टेस्ट सीरीज़ है, ये भी 40 मिनट्स की है और 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। इस प्रकार ये सीरीज़ यूजफुल है मई 2022 में जो स्टूडेंट्स अटेम्प्ट कर रहे हैं CA के लिए। इसी प्रकार CA फाइनल स्टूडेंट्स के लिए ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के लिए मेगा रिवीजन फ्री टेस्ट सीरीज़ उपलब्ध है, ये भी 40 मिनट्स की है जिसमें कि 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, और मई 2022 के अटेम्प्ट के लिए ये आपके लिए यूजफुल रहेगी। इसके अलावा आप 1000 वर्थ रुपीज़ के अमेजोन वाउचर भी हर टेस्ट के साथ जीतने का चांस प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, CA इंटर और CA फाइनल की इन फ्री टेस्ट सीरीज़ को अटेम्प्ट करने के लिए लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, और आप रेफरल कोड SADBEER10 यूज़ कर सकते हैं यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी पे, ताकि आपको 10% का डिस्काउंट प्राप्त हो सके। इसके अलावा CS के लिए डेली स्कॉलरशिप टेस्ट हैं जो कि फ्री टेस्ट अवेलेबल हैं अनअकैडमी ऐप पे। आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करेंगे, सबसे नीचे ट्राई अनअकैडमी फॉर फ्री का लिंक दिया गया है, इस पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद स्टार्ट द टेस्ट पर क्लिक करेंगे, और थर्ड स्टेप भी है स्टार्ट द टेस्ट, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगी, तो इसे क्लिक करके आप ये फ्री टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। दोस्तों, गवर्नमेंट के द्वारा CGST रूल में रूल 88A इंसर्ट किया गया था, जो कि यह कहता था कि आपको पूरा IGST यूज़ करना है इससे पहले कि आप CGST या फिर SGST का ITC यूज़ करें।
लेकिन इसके साथ ये भी कहा गया था कि आप का यदि IGST की आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है तो आपको IGST का इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज़ करना है, लेकिन यदि आपकी CGST की टैक्स लाइबिलिटी है या SGST की टैक्स लाइबिलिटी है तो उस केस में आप IGST का इनपुट टैक्स क्रेडिट किसी भी ऑर्डर और किसी भी प्रपोर्शन में यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको पूरा IGST यूज़ करना है CGST की लाइबिलिटी पे करने के लिए, यहाँ पे आप डिसाइड करेंगे कि किस ऑर्डर और किस प्रपोर्शन में आपको IGST का IDC यूज़ करना है, लेकिन आपको ये इंश्योर करना है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट पूरी तरह से यूज़ हो जाए IGST का, इससे पहले कि आप CGST और SGST का IDC यूज़ करें। दोस्तों यहाँ पे सर्कुलर में गवर्नमेंट एग्जांपल के द्वारा समझाया भी था, मान लीजिए व्यक्ति की 1000 की IGST की लाइबिलिटी है, 300 की CGST की और 300 की SGST की, और उसके बाद 1300 का IGST का IDC है, 200 का CGST का, 200 SGST का। तो उस केस में उसके पास दो ऑप्शन थी, पहली ऑप्शन तो ये है कि IGST का जो IDC वो IGST को पे करने के लिए यूज़ करना है, और बैलेंस जो IGST का IDC है वो किसी भी ऑर्डर किसी भी प्रपोर्शन में यूज़ किया जा सकता है, यानी कि 200 का IGST का IDC यूज़ किया जा रहा है CGST को पे करने के लिए, और 100 रुपीज़ का IGST का IDC पे किया जा रहा है SGST को पे करने के लिए। या फिर दूसरी ऑप्शन टैक्स पेयर के पास थी कि वो 100 रुपीज़ का IGST का IDC यूज़ कर सकता है CGST की लाइबिलिटी को पे करने के लिए, और 200 रुपीज़ का IGST का IDC यूज़ कर सकता है SGST को पे करने के लिए। इस प्रकार यहाँ पे टैक्स पेयर के पास चॉइस है, ऑप्शन है कि वो किस ऑप्शन को एक्सरसाइज करे ताकि जो उसका टैक्स लाइबिलिटी है वो भी मिनिमम हो और जो GST का रूल है वो भी कॉम्प्लाई हो जाए, यानी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इसके अलावा दोस्तों अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर रहे हैं वो आपको उतना ही क्लेम करना है जो कि GSTR 2B में आ रहा है आपकी जनवरी फरवरी और मार्च की, यदि आप क्वार्टरली GSTR 3B फाइल कर रहे हैं, क्योंकि ये जो रूल है सेक्शन 16 के अंतर्गत वो इंसर्ट किया गया है 1 जनवरी 2022 से, यानी कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया जा सकता है रिसिपिएंट के द्वारा वो सिर्फ उन्हीं इनवॉइस और डेबिट नोट का क्लेम किया जा सकता है जिसके लिए कि सप्लायर ने आउटवर्ड सप्लाई में जो डिटेल है वो दिखा दी है और जिसे के कम्युनिकेट कर दिया गया है रिसिपिएंट को, और GSTR 2B में ही ये डिटेल जो है वो रिसिपिएंट को अवेलेबल होती है कि कौन सी इनवाइसेज हैं जिन्हें के सप्लायर ने अपलोड कर दिया है GST पोर्टल पे और जिनका के IDC रिसिपिएंट ले सकता है। दोस्तों GST में रूल 36 सब रूल 4 को भी चेंज कर दिया गया है 1 जनवरी 2022 से, यानी कि अब इनपुट टैक्स क्रेडिट तभी अवेल किया जा सकता है यदि इनवॉइस और डेबिट नोट सप्लायर के द्वारा अपलोड कर दी गई है आउटवर्ड सप्लाई की, यानी कि GSTR 1 में, या फिर इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के द्वारा, और ये जो इनवॉइस और डेबिट नोट है वो रजिस्टर्ड व्यक्ति को कम्युनिकेट कर दी गई है GSTR 2B में। इस प्रकार जो आपका क्वार्टरली GSTR 2B आ रहा है जनवरी फरवरी और मार्च का, उसके इक्वलेंट ही आप IDC क्लेम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप IDC क्लेम नहीं कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी, कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो GST की कंप्लायंस कर पाए। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA Satbir Singh टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।